अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज एक बार फिर मैं हाज़िर हुआ हूं आपके साथ मोटरवे M6 प्रोजेक्ट के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करने के लिए, जो कि मेरा पर्सनल तजुर्बा है। व्यूअर्स, 3 दिन पहले मेरा कराची जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने कराची जाने के लिए इंडस हाईवे का रूट यूज़ किया, जिसमें दादू मेहड़ सेवन शरीफ के बाद जामशोरो और फिर हैदराबाद आता है। तो इस सारे रूट पे मुझे कहीं पर भी कोई एक्टिविटी होती नज़र नहीं आई मोटरवे M6 की तामीर की। इसके बाद व्यूवर्स, मैंने हैदराबाद में रात गुजारी और मैं फिर अगले रोज़ जो है चला गया कराची M9 पर। वहाँ पर भी मुझे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। इसके बाद मैं जब वापस आया तो मैंने फिर नेशनल हाईवे यूज़ की वापसी के लिए, और मैं सईदाबाद तक नेशनल हाईवे पर सफ़र किया। उसके बाद मैं मेहरान हाईवे पर के ज़रिए मैंने सफ़र किया, जो नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के भी सारे इलाके उसी में आते हैं काफ़ी हद तक। तो वहाँ पर वो हालांकि मेन रूट है M6 का, वहाँ पर भी मुझे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं है। इसके अलावा मैंने मेहराबपुर की साइड भी सफ़र किया, वहाँ पर भी मुझे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। इसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने खैरपुर की साइड से सफ़र किया और बबरलो की जानिब से आया, जहाँ से मोटरवे स्टार्ट होना है, वहाँ पर भी मुझे काम की कोई एक्टिविटी होती नज़र नहीं आई। तो व्यूअर्स, कुछ दिन पहले NHA के हुकाम ने सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के मौजूद जजेस के सामने कहा था कि M6 का काम 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा। अब 29 जून को है ईद उल अज़हा और 30 जून को है ईद का दूसरा दिन, और वो भी पब्लिक हॉलीडे है। व्यूअर्स, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी कहते हैं कि खुदा करे कि M6 का काम जल्द अज़ जल्द शुरू हो और ये काम पाया तकमील तक पहुँचे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मैं ख़ुद इन इलाकों से होके आया हूँ अभी तकरीबन 2 दिन पहले, और मुझे वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है। ज़ाहिर है NHA वालों ने हाई कोर्ट के सामने कहा है तो कोई बात होगी, और इंशाल्लाह ताला इस पर वो जल्द अज़ जल्द काम शुरू करेंगे। तो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दें। इसके अलावा मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मोटरवे के मुतल्लिक तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया व्यूवर, जज़ाकल्लाह।